हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र रहता है, और वो ट्रांजैक्शन कौन सा होता है और उस पे वो ट्रांजैक्शन का डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि किसी तरह का कोई भी जानकारी मिस ना हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका कैश डिपॉजिट से लेके है। अगर मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंक वाले भाई साहब हैं अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में इन रिटर्न में इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ, ये फलाना भाई साहब हैं, ये सेविंग अकाउंट है इनका जिसमें इन्होंने 10 लाख या 10 लाख के ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सेविंग अकाउंट है और 5ों में आपने 2-2, 2.5-2.5 लाख रुपये अगर जमा करते हैं और कुल मिला के आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5ों सेविंग अकाउंट का अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो भी इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाएगा। और ये कौन करेगा? आपके बैंक वाले भाई साहब करेंगे, और इस चीज़ को सारे डिटेल आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के देंगे, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ, आपने ये 10 लाख की ट्रांजेक्शन किया है। उसके बाद अगला जो है फिक्स डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट 10 लाख या मोर देन 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का FD करते हैं, ठीक है, तो भी आपकी ये जो डिटेल है आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि हाँ, इस सेविंग अकाउंट में 10 लाख की ज़्यादा का FD हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी सेविंग अकाउंट में FD अगर कोई ओल्ड FD है और वो इस साल रिन्यूअल हो रही है, तो उसको इस चीज़ में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो होती है उसमें इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा जो आपके पुराना FD इस साल रिन्यूअल हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुल मिला जुला के कहा जाए ये कि आपकी अगर 10 लाख के ट्रांजेक्शन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं बैंकों में, तो ये जो बैंक वाले भाई साहब लोग हैं ये क्या करते हैं कि अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिटर्न बनाते हैं, उसमें ये इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ये सारी ट्रांजेक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड पेमेंट 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का और आप उस क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का पेमेंट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं या अदर और एक्सपेंसेस करते हैं, और जिसकी जो बिल आता है वो बिल की पेमेंट भी आप करते हैं, और पूरे अगर फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर 10 लाख की ज़्यादा का बिल का पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का, तो भी इस केस में आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला जो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट बाय कैश। अगर मान लीजिए आपकी कोई क्रेडिट कार्ड है और उसकी बिल जो है 2 लाख की है, और आपने 2 लाख में आपने क्या करी कि 1,20,000 रुपये की कैसे पेमेंट कर दिया और 80,000 रुपये आपने बैंक से कर दी, तो भी 1,20,000 जो आपने कैश से पेमेंट किया है उस चीज़ का डिटेल क्रेडिट कार्ड वाले जो भाई साहब, बैंक वाले भाई साहब हैं, वो 1,20,000 को वो क्या करेंगे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न तैयार करेंगे उसमें इस चीज़ को दिखाएंगे कि भाई साहब ने ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1,20,000 रुपये कैसे किया है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है ये चीज़ ट्रांजेक्शन करने से पहले। अगला जो है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड 10 लाख से इन फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपकी जो म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट है जो आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का है, तो भी इस केस में म्यूचुअल फंड अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इस चीज़ को रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट करके इस चीज़ को बताएगा कि हाँ, फलाना भाई साहब ने 10 लाख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है परचेज बॉन्ड एंड डिवेंचर ऑफ 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड और डिवेंचर परचेज करते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का है, तो भी ये जो ट्रांजेक्शन है ये एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में रिपोर्ट होंगे, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ, हमने ये 10 लाख की बॉन्ड एंड डिवेंचर परचेज किया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको परचेज करने से पहले या खर्च करने से पहले या ट्रांजेक्शन करने से पहले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला जो है परचेज शेयर ऑफ 10 लाख इन ए फाइनेंस ईयर। अगर मान लीजिए कोई भी शेयर आप परचेज करते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है, अगर उस कंपनी किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं और उस शेयर की कॉस्ट जो है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको भी एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न तैयार किए जाते हैं उसमें इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ को पता चलता है कि हाँ ये भाई साहब ने ये शेयर, इस कंपनी का शेयर 10 लाख का परचेज किया है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ट्रांजेक्शन है जिससे कि आपको करने से पहले ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीज़ ट्रांजेक्शन आप करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 30 लाख। अगर मान लीजिए कोई भी परचेज आप प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं और उसकी जो सर्कल जो रेट है वो 30 लाख है, अगर 30 लाख है तो उसको एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न होता है उसमें इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और कन्फ्यूजन है, अगर मान लीजिए आपकी आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप हस्बैंड वाइफ मिल के कोई 30 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसमें आप वाइफ ने 15 लाख रुपये और हस्बैंड ने 15 लाख रुपये पैसे लगाए, तो इस केस में ये नहीं माना जाएगा कि आपने 15-15 लाख के प्रॉपर्टी परचेज किया है, यहाँ पे आपको 30 लाख ही माना जाएगा कि हाँ आपने 30 लाख की जो प्रॉपर्टी है परचेज किया है, और इस चीज़ को एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाएगा जिससे कि इनकम टैक्स को ये चीज़ का पता चलता है। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कोई भी आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टी की जो सरकार रेट है वो 30 या 40 लाख रुपये है और आपने उसको ख़रीदा है 28 लाख में, तो भी उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिटर्न जो जाएगी जिसमें रिपोर्ट किया जाएगा वो 40 लाख किया जाएगी, ना कि 28 लाख रुपए। तो दोस्तों ये सारे कुछ ट्रांजेक्शन थे जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के थ्रू ये सारी जानकारी पता हो जाता है, जो कि आपको करने से पहले ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं ये चीज़ इस ट्रांजेक्शन के बारे में हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो में, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।